थर्ड चैप्टर आप व्यू है आपका। व्यू के बारे में बताया जा चुका है कि आप व्यू होती क्या है, ये इसमें उनकी कोट क्या होगी, ठीक, ऑर्डर्ड ऑफ कोट ये सब, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बता करके आपको कहा गया था कि एक्सरसाइज करिएगा। देखो एक्सरसाइज 3.1 समझा दे रहे हैं, ये आप व्यू है, करा कि इसके लिए ज्ञात कीजिए आप व्यूह की कोट, ऑर्डर ऑफ कोट ऐसा होता है, पंक्तियां गिन लीजिए और गुणे स्तंभ कर दीजिए, ऑर्डर ऑफ कोट। तो इसमें 1 2 3 तीन पंक्तियां हैं, 1 2 3 4 स्तंभ हैं। तो आप व्यूह की कोट जो होगी ये पाले के पाले में ये 3 × 4, ये अवयवों की संख्या इनके गुणनफल के बराबर हो जाती है, 3 × 4 ये 12 हो गए। अब कह रहा है कि आप यू A13 का मतलब पहली पंक्ति का तीसरा अवयव, 1 2 3, A13 जो होगा आपका A13 ये 19। उसके बाद कह रहा है A21 दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, ये पहली पंक्ति है दूसरी पहला अवयव है क्लासिफाई, तो ये आ जाएगा A21 35, A33 तीसरी पंक्ति का, ये पहली दूसरी तीसरी, तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव ये A33, ये आ जाएगा रेड 5। उसके बाद A24 दूसरी का चौथा, दूसरा ये हुआ 1 2 3 4, दूसरे का चौथा 12, और A23 दूसरे का तीसरा, ये A23 ये 5/2। तो ये था किसी अवयव की पंक्तियों और स्तंभों को देखना, उसके बाद क्रम बताना, क्रम बताने के बाद ये अवयव। और कह रहा है दूसरा ध्यान दे लीजिएगा, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इनकी संभव कोटियां क्या है, 24 पर संभव कोटि क्या हो सकती है, 1 × 24 एक पंक्ति और 24 स्तंभ, या आप कर सकते हो दो पंक्तियां तक 12 स्तंभ होंगे, और 3 पर ले सकते हो 3 × तो 3 / 24, 4 ले सकते हो तो 4 × 6 है, और 5 पर होगा ही नहीं, ठीक। और उसके बाद यदि 6 अवयव लेंगे तो 6 × 4 है, 7 पर होना ही नहीं है, 8 लेंगे तो 8 × 3, और 9 पर होना ही नहीं है, 9 का भाग ही नहीं रहता, 10 11 12, ये 12 × 2, और उसके बाद ये 24 × 1, ये इतनी कोटियां ये इनकी संभावना है, इन इन कोटियों का बना सकते हैं। अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि 13 अवयव हो तो क्या करें, 13 अवयव हो तो या तो पहली ही पंक्ति में 13 को रख देंगे, या ऐसे करके, मतलब कि 13 अवयव होने पर क्या करेंगे आप, या तो 1 × 13 रहेगा, मतलब ये एक पंक्ति 13 स्तंभ, या आपका 13 × 1, ये इस तरह से बनेगा। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन है, चौथा देखिए, एक 2 × 2 आप यू के आई जे 2 × 2 क्रम की कह रहा है, 2 × 2, तो इसके लिए एक रफ बना लो, A11 पहला अवयव, A12 और ये A21, A22, ये आई जो दे रहा है आपका, ये आप यू A=ai j, इसका मतलब ये होगा आई पंक्ति, पंक्ति वाला नंबर रखोगे 1 j भी 1, और फिर आई की जगह 1 j की जगह 2, आई की जगह 2 j की जगह 1, आई की जगह 2 और j की जगह 2, ये रश करके जैसे ये पहला वाला दिया हुआ है ये इसका कि ये आई है आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2, तो ये चारों ज्ञात करके ऐसे ही करके रख देंगे। तो यहाँ A11 देखो, आई की जगह भी 1, जे की जगह भी 1,
तो ये वन प्लस वन का स्क्वायर बाई टू, टू का स्क्वायर और बाई टू, ये टू आया। ए वन टू, आई की जगह वन रखेंगे, इसकी जगह टू, तो वन प्लस टू ये थ्री का स्क्वायर नाइन, नाइन बाई टू। अब ए टू वन, ये रफ बनाना बहुत जरूरी है। ए टू वन, आई की जगह टू रखेंगे, जे की जगह वन, तो टू प्लस वन ये थ्री, थ्री का स्क्वायर नाइन, नाइन बाई टू। और ये ए टू टू, ए टू टू का मतलब आई की जगह टू रखोगे आप और जे की जगह भी टू, टू और टू फोर, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन बाई टू, मतलब एट। इस प्रकार से जो हमारी अभ्यूह ए बनेगी, ए वन वन कितना आया है टू, और ये नाइन बाई टू, ये टू वन भी आया नाइन बाई टू, और फिर ये कितना गया एट। अच्छा एक चीज और है, दो अभ्यूह जब समान होती है तो उनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होते हैं। एक्सरसाइज पर एक पर भी प्रॉब्लम है, इन्हें आप कायदे से इस एक्सरसाइज को कर लीजिए, और बाकी जो रहेगा आपको बताया जाएगा।